बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार डॉक्टर शहबाज गिल को 36 रोज बाद जेल से रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाद इस गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहाई का रोककार जारी किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसे बगावत का केस तो अदालत मानती ही नहीं, जब तक ठोस शवाहिद ना हो किसी को जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। शहबाज गिल की रिहाई अमल में आ चुकी है। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार डॉक्टर शहबाज गिल को 36 रोज बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाद इस गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहाई का रोककार जारी किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसे बगावत का केस तो अदालत मानती ही नहीं है, जब तक ठोस शवाहिद ना हो किसी को जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार डॉक्टर शहबाज गिल को 36 रोज बाद जेल से रिहाई मिल गई। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट, आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।